देश विदेश में उपस्थित भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ता देवी और सज्जनों, आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन अनेकों से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदं रामाय इदं नमः, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदं राष्ट्राय इदं नमः। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा,
तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। कठोर होना पड़े तो कठोर भी होती है। और हमारे लिए एक तो बहुत बड़ी प्रेरणा क्या है, आज की मॉडर्न परिभाषा में जिन बातों को बार बार जिक्र किया जाता है, और वो है कैन डू एटीट्यूड। अगर हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, डगर डगर पर पल पल हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड, कैन डू संकल्प शक्ति उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कहा भी गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही, तुम्हें पाई। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पवन पुत्र हनुमान कर नहीं सकते। इसलिए जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बुट्टी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। इसलिए साथियों, आज के पवित्र अवसर पर आपको स्मरण करना है, राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु, मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है। इसलिए जनभावना, जन आकांक्षाओं को ही हमने भाजपा की चेतना शक्ति बनाया है। हमने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया, भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है।
साथियों, हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। साथियों, आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। भाजपा की कार्यशैली सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वजन का हित करने वाली है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय में, अपनी कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय ये हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का ही प्रतिबिंब है। 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है। 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन बैंक खाते खोलना सामाजिक न्याय का, इंक्लूसिव एजेंडा का जीता जागता उदाहरण है। 11 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव शौचालय मिलना, यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी भक्ति है। बिना भेदभाव, बिना तुष्टिकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला, देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बनकर के उभरा है। साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है, ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है।
कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना,